आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कहा सब याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश के हालातों को लेकर जाहिर की चिंता। अखिलेश यादव की चिंता पर सपा नेताओं के सरकार से सवाल। क्या प्रदेश में सरकार की जगह चल रहा है जंगल राज? क्या सरकार के हाथ से निकल गए हैं हालात? क्या सरकार ने दे दी है मनमानी की खुली छूट? क्या अनुशासन बीजेपी के लिए बन गया है सिर्फ मजाक? देखिए क्या कहते हैं सियासी जानकार और विपक्षी नेता। एक तरफ उत्तर प्रदेश में रामराज का दावा और दूसरी तरफ विपक्ष की महिलाओं तक पर अत्याचार। सरकार के कार्यकाल के खत्म होने के इस पड़ाव में इस दावे का अब दम निकलता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब विपक्ष तो विपक्ष आम आवाम भी सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर जो दावे सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आकर पहले पखवाड़े में किए गए थे वो दावे अब काले की तरह काले क्यों दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर उन दावों का दम सरकार के ही मातहत क्यों निकाल रहे हैं। पिछले कुछ एक दिनों से जो हालात दिख रहे हैं वो सत्ताधारी पार्टी को सवालों में खड़े करते हैं और सत्ता के सरताज संत समाज से ताल्लुक रखने वाले सीएम से सवाल पूछा जाता है कि आखिर एक संत के राज में जो हो रहा है क्या वो वाकई सही है। मामले पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी निराशा जाहिर की है, साथ ही बीजेपी से कई सवाल तो किए ही और चेतावनी भी दी कि अब जो हो रहा है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान कई जिलों में हिंसा, मारपीट, प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े जाने, छीनने और अभद्रता के मामले सामने आए। कई जगह पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी को दोषी मानती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में गुंडों को आजादी दे रखी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपने आप को अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के गुंडों ने महिला की इज्जत को तार तार किया। हमें दुख है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लोग इस स्तर तक उतर आए हैं। जिन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया वो सब बीजेपी के गुंडे हैं। बीजेपी ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में नंगा नाच और खुली गुंडागर्दी की। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन कराने के लिए प्रस्तावक और प्रत्याशियों को ब्लॉक तक पहुंचने से रोकने के लिए बीजेपी ने गुंडों का सहारा लिया। सरकार के इशारे पर प्रशासन ने बीजेपी के साथ मिलकर ये नंगा नाच किया। सरकार को बताना चाहिए कि प्रदेश के हर ब्लॉक में हर जगह गुंडों को इतनी आज़ादी किसने दे रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उन अधिकारियों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने ये सब करवाया, समय आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उससे जनता में आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है और साथ ही जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ आवाम एक्शन भी चाहती है। अखिलेश यादव के समर्थकों की माने तो इस सरकार से तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए सब याद रखा जाएगा और सरकार बनते ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।